आप देख रहे हैं TNB। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर के शनिवार के बाद धीरे धीरे कम होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 2 से 4 फरवरी तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई अहम बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही अब तापमान में क्या बदलाव होगा, आइए बताते हैं। IMD के अनुसार 2 फरवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और उसके बाद गिरने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हवा के 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की संभावना है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। आखिरकार अब सवाल उठता है कि शीतलहर का प्रकोप कब तक जारी रहेगा। तो बता दें कि IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर के चलने की संभावना है। हालांकि इसके बाद शीतलहर का प्रकोप कम हो जाएगा। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ठंड रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। वही सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि कड़ाके की सर्दी से कब तक राहत मिलेगी। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में कड़ाके की ठंड होगी और उसके बाद धीरे धीरे सर्दी के कहर के कम होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अगले 24 घंटे के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही IMD ने ये भी अनुमान जताया है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 48 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।